तो लाइट की प्रेजेंस में जब लीफ एक्सपोज होती है लाइट से, तो स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है, ब्रेक कर जाता है ऑर्गेनिक एसिड में, स्पेशली फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, जिसको पीईपी बोलते हैं। और पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से पीईपी जो है ये जो ये कंबाइन कर जाता है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है वहाँ पर, और फिर बना देता है ऑक्जैलिक एसिड। ऑक्जैलिक एसिड बाद में मैलिक एसिड में बदल जाता है। अब ये मैलिक एसिड जो है वो टूटता है, एक तो H प्लस आयन बनाता है और मैलेट बनाता है। H प्लस आयन जो है वो गार्ड सेल में एक्टिवली पास आउट हो जाते हैं, और इन एक्सचेंज H प्लस पासेज इनवर्टली सम क्लोराइड आयन में ऑल्सो एंटर इन टू द गार्ड सेल अलॉन्ग विथ K प्लस आयन। तो कुछ क्लोराइड आयन भी जो है वो एंटर करते हैं गार्ड सेल में पोटेशियम आयन के साथ। गार्ड सेल जो है वो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, कैसे, वो बैलेंस करते हैं पोटेशियम आयन को मैलेट के साथ और क्लोराइड आयन के साथ। कंबाइंड स्टेज में ये पास हो जाते हैं स्मॉल वैक्यूल्स में, और इसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है गार्ड सेल का, जिसकी वजह से गार्ड सेल पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी एपिडर्मल सेल्स में एंडोस्मोसिस हो जाती है, वो फूल जाती हैं और एक होल पोर को क्रिएट कर देती हैं, जिससे कि स्टोमेटा का जो पोर है वो खुल जाता है। जबकि डार्क के टाइम पे, रात में जब लाइट नहीं होती तब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है लेकिन रेस्पिरेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और इस ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन की वजह से स्टोमेटा की जो कैविटीज़ हैं उनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्लस आयन्स का गार्ड सेल में रुक जाता है, और कोई मैलेट आयन जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में गार्ड सेल के, वो प्रोड्यूस करता है मैलिक एसिड और एच प्लस आयन्स। मैलिक एसिड रोक देता है अपनी सिंथेसिस किस तरीके से, पीईपी कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को कम करके, एंजाइम की पीपीएस की, और ये चेंजेस इंड्यूस करते हैं रिवर्सल ऑफ आयन मूवमेंट, और के प्लस आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं गार्ड सेल से बाहर चले जाते हैं सराउंडिंग सेल्स में। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है गार्ड सेल का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी का जो मूवमेंट है सराउंडिंग सेल्स में वो होता है। तो गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाती है, लूज पड़ जाती हैं, इनके पोर डिसअपेयर हो जाते हैं, तो स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, उसकी टाइटनेस ख़त्म हो जाती है गार्ड सेल की, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक एसिड जो है वो मेटाबोलाइज होकर स्टार्च को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन डार्क फोटोसिंथेसिस स्टॉप बट रेस्पिरेशन कंटिन्यूज, विच इंक्रीजेस CO2 कंसंट्रेशन। ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन सब स्टोमेटल कैविटीज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ के प्लस आयन्स इन टू गार्ड सेल सीजेस। एनी मैलेट आयन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ गार्ड सेल्स प्रोड्यूस मैलिक एसिड विद एच प्लस आयन्स। मैलिक एसिड इनहिबिट इट्स ओन सिंथेसिस बाय लोवरिंग द एक्टिविटी ऑफ पीईपी कार्बोक्सिलेज, दैट इज पीईपीएस। These changes induces reversal of ion movement and K plus ion are transported out from guard cells into surrounding cells. Osmotic pressure of the guard cell decreases, thereby causing movement of water into the surrounding cells. Guard cell become flaccid and the pore disappears, that is stomatal pores are closed. This is because of loss of turgidity of guard cell. Simultaneously, the organic acid are metabolized to produce starch. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैलेट और के प्लस आयन पंप हाइपोथेसिस, दैट इज़ मॉडर्न थ्योरी।